22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी हमलावरों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, जिस कारण हजारों परिवारों को मीरपुर जिले, मुजफ्फराबाद जिले और गिलगित से अपनी जान बचाकर जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों में पनाह लेनी पड़ी और कुछ तो भारत के अन्य राज्यों में भी चले गए। ये वही लोग हैं जिन्हें भारत में विस्थापित यानी रिफ्यूजियों का नाम दिया गया। आज लगभग 75 साल का समय गुजर चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से देश के अलग अलग हिस्सों में बिखरे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करने, 1947 के दौर में बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देने और अपनी भूमि को नमन करने के लिए जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने एक मुहिम छेड़ दी है, जिसके चलते 8 मई को जम्मू के गांधीनगर में श्रद्धांजलि एवं पुण्य भूमि स्मरण सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते पीओजे के डिस्प्लेस्ड पर्संस फोरम के बैनर तले प्रभात फेरी निकाल लोगों को इस कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है। दो दिन पहले रिहाड़ी कोटली कॉलोनी से ये प्रभात फेरी निकाली गई और आज यानी रविवार को बख्शीनगर से प्रभात फेरी निकाल लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया गया। आज निकाली गई इस प्रभात फेरी में आसपास के इलाके से कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस प्रभात फेरी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर लोगों ने संदेश दे दिया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए रिफ्यूजियों के दर्द आज भी हरे हैं। देशभक्ति के गानों और भारत माता की जय के नारों के बीच इस प्रभात फेरी का माहौल देखते ही बनता था। इसी के साथ इस प्रभात फेरी में उन सभी बुजुर्गों का घर जाकर आशीर्वाद लिया गया जिन्होंने 1947 का ये दौर अपनी आंखों से देखा है, जो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अपना घर छोड़कर विस्थापित होकर आए थे। विस्थापन का दर्द उनकी आंखों में और उनके शब्दों में आज भी झलकता है। 8 मई को होने वाले इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इन सभी का आशीर्वाद दिया गया। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय देश, जय मर्म धर्म, जय मर्मा, बलिदान असानो कर्ण देश, जय कर्ण धर्म, जय मर्मा, बलिदान असानो धर्म से मरना, बलिदान कहाना है, से मरना धर्म से मरना, भक्त के है निर्माता, गंगा की बातो माता, भारत के है निर्माता, भारत के है निर्माता, गंगा की बातो माता, भारत के है निर्माता, गंगा की बातो माता, भारत के है गंगा की ता गो माता, यो जग के शहीद अमर रहे अमर रहे, यो जग के शहीद अमर रहे अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जाने तो अपनी जय जय जय, हमारे कश्मीर नहीं जय जय, इस पर नजर उठाएगा, इस पर नजर उठाएगा, चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, इस पर नजर उठाएगा, हमको कोई के नाम नहीं आता, तू कौन पाकिस्तान, तू जान पाकिस्तान, तू जान ले पाकिस्तान, तू जान ले पाकिस्तान, ना पोती ना पोते बलकम इस देश की धरती के, ना पोती ना पोते बलकम इस देश की धरती के, इस देश की धरती पर हमें वीरों की आंच बिखेरी, Oh,
वंश नुवारिया गुरु गोविंद वंश नुवारिया गुरु गोविंद वंश नुवारिया गुरु गोविंद वंश नुवारिया शरी जाने अंग चढ़ाया इतनी जल्दी बुला दिया भारत का भूगोल तड़पता तड़प रहा इतिहास है रहते हैं गली गली और चौराहों पर गली गली और चौराहों पर फिर अब तक मुझसे गीत नहीं सुन पाओगे गीत नहीं सुन पाओगे भारत का भूगोल तड़पता शहीद अमर है के शहीद अमर है अमर है के शहीद अमर है आप सभी को यह सूचना दी जाती है कि आने वाले 8 मई अगले रविवार को वुमेन कॉलेज गांधीनगर के अंदर एक बड़ी जनसभा जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की तरफ से रखी गई है जिसमें पीओजेके के विस्थापित समाज के शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है 8 मई को 10:30 बजे वुमेन कॉलेज परेड ग्राउंड में पहुंचे 8 मई को कहाँ चलना है गांधीनगर 8 मई को कहाँ चलना है गांधीनगर भारत माता की जय भारत माता की जय ओम नमस्ते। आज प्रातः 6 बजे पीओजेके डिस्प्लेस पर्सन फोरम के बैनर के नीचे एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। ये प्रभात फेरी भगत सिंह चौक बख्शीनगर से आरंभ होकर बख्शीनगर की सभी बस्तियों से होती हुई गीता मंदिर से होती हुई बख्शीनगर के मेन बाज़ार से होती हुई गुड़े की कॉलोनी से होती हुई राम मंदिर गुड़ा में समाप्त हुई। इस प्रभात फेरी के माध्यम से सभी विस्थापित परिवारों को 8 मई 2022 को महिला कॉलेज गांधीनगर में होने वाली श्रद्धांजलि एवं पुण्य भूमि स्मरण सभा जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के बैनर के नीचे होने जा रही है उसकी सूचना दी गई और साथ में सभी से निवेदन किया गया इस सभा में सभी सह परिवार शामिल हों और अधिक से अधिक संख्या को लेकर इस सभा में आएं और इस सभा की शोभा को बढ़ाएं। धन्यवाद। ओम शम।